Hello, welcome, and you're going to do something very interesting from the topic trigonometry. बहुत ही interesting चीज करने वाले हैं हम इस topic में से, और वो है trigonometric table for standard angles. अब इस topic की बात जब हम करते हैं, we learn this topic in grade 9 or grade 10, right? चाहे वो CBSE हो, state board हो, ICSE हो, IGCSE हो, किसी भी board में जब आप grade 9 या grade 10 में ये पढ़ते हो तो आप ये देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, और इसपे काफी सम्स होते हैं. स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिसको स्टैंडर्ड एंगल्स कंसीडर किया गया है इन ट्रिग्नोमेट्री? देयर आर फाइव सच एंगल्स एंड दे आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो कितने एंगल्स है? 5. ये 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं. Which I said 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. हम trigonometric table की बात कर रहे हैं, मतलब trigonometric ratios आए. अब trigonometric ratios हमें पता है कौन सा है, sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. Beautiful. अब table कैसे बनेगा, right? कितने angles है? 5. और ratios कितने हैं? 6. हर एक ratio का उन एंगल्स के लिए क्या वैल्यू है, मींस साइन 0 का क्या वैल्यू है, साइन 30 की क्या वैल्यू है, साइन 45 की क्या वैल्यू है, साइन 60 की क्या वैल्यू है, साइन 90 की क्या वैल्यू, ये हमें लिखना है. हर एक रेशियो के लिए लिखना है और उससे बनेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. तो ये बन गया. तो उन रेशियोज के लिए, सब रेशियोज के लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल, दैट इज रेशियोज एंड थीटा, दैट इज गिवन. ओके, तो आप बोलोगे ये टेबल हमें बनाना है. यस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लर्न, आप सीख जाओगे ये टेबल को फिल करना. अभी हर रो में आप देखिए, साइन के रो में कितने हैं? 5 वैल्यूज डन. ऐसे ही और भी हैं, मतलब टोटल हैं 30 वैल्यूज. तो आप बोलोगे ये 30 वैल्यूज हमें याद रखनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ओके, तो हम टेबल बनाएंगे कैसे, देखते हैं. आई सेड बाय द एंड ऑफ द वीडियो गोइंग टू लर्न दिस. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अभी इसको सोचते हैं, समझते हैं, बहुत सिंपल है. अभी इससे पहले हमने वीडियोस में ये सीखा है, रेशियोज को सीखा है और रेशियोज के बीच में जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी हमने पढ़ा. अभी इससे हमें एक चीज तो समझ गया कि अगर हमें साइन पता है, इफ वी नो साइन थीटा वी कैन फाइंड कोसेक थीटा, वेरी गुड. व्हेन वी नो कॉस थीटा वी कैन फाइंड सेक थीटा, वेरी गुड. व्हेन वी नो टैन थीटा वी कैन फाइंड कॉट थीटा. मतलब आप बोलोगे अगर हमने सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा फाइंड कर लिया तो हम बाकी के तीनों के जो वैल्यूज है फाइंड कर सकते हैं, वेरी गुड. मतलब हमने इस टेबल को एग्जैक्टली आधा कर दिया. तो हमारा जो प्रॉब्लम था उसने हमने आधा कर दिया. दैट इज हाउ इन लाइफ ऑल्सो वी कैन डू सोल्यूशन, ढूंढो, सोचो, बहुत इजीली मिलेगा. ओके, सुपर्ब है. तो अभी हमें सिर्फ साइन कॉस टैन, मतलब 30 में से अभी सिर्फ 15 वैल्यूज ढूंढने, वेरी गुड. तो चलिए अभी और आसान करते हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. याद रखिए, इन तीनों रो में से, साइन कॉस एंड टैन में से, अगर हमें सिर्फ पहला रो, दैट इज साइन थीटा का जो रो है, उसके 5 वैल्यूज मिल गए तो बाकी के दोनों रोज जो है वो अपने आप हम फिल कर सकते हैं. सही में, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सेइंग अ फैक्ट. यस, दैट मींस मैं बोल रहा हूं और हमने इसे रिड्यूस कर दिया, वेरी गुड. मतलब हम 30 वैल्यू से आ गए सिर्फ 5 वैल्यूज. सो अगर हमें ये 5 वैल्यूज मिल गए, इफ वी गेट दिस 5 वैल्यूज वी आर डन एंड विल गेट एवरीथिंग. We'll get the entire table. We can create the entire table. So exciting, beautiful, right? तो चलिए देखते हैं अभी इसे करना कैसे है. Okay, बहुत interesting है. अभी ये जो 5 values है, let me tell you, ये भी आपको by heart नहीं करना है, memorize नहीं करना है. इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा. अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं. अगर आप राइटी हो, आप राइटी हो, राइट हैंड से लिखते हो, तो लेफ्ट हैंड यूज कीजिए. मतलब आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, विच इज कॉल्ड एज अ हैंड ट्रिक. ओके, हैंड ट्रिक फॉर एक्चुअली दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. बोलोगे कैसा बात? तो मैंने जैसे कहा, आप अगर राइटी हो तो लेफ्ट हैंड यूज कीजिए, अगर आप लेफ्टी हो तो राइट हैंड यूज कर. अभी आप बोलोगे मैं राइटी हूं
यस मैं राइट, बट आप बोलोगे मैं तो लेफ्ट हैंड दिखा रहा हूँ, नहीं आप मेरा मिरर इमेज देख रहे हैं, इसलिए तो याद रखिए मैं राइट ही हूं, तो मैं लेफ्ट हैंड यूज करूंगा, लेफ्ट। ओके ओके, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। मैं बोल रहा हूं मैं राइट ही हूं तो मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड यूज कीजिए। अभी लेफ्ट हैंड यूज कीजिए मतलब आप थंब को ऊपर की तरफ ऐसा होल्ड करके पकड़ सकते हैं, मतलब आपका पाम आपके तरफ फेस कर रहे हैं ऐसे, या तो आप ऐसा भी ले सकते हैं जहां पे थंब इज फेसिंग डाउन, मतलब द बैक ऑफ योर हैंड, किसी भी तरीके से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट थंब फेसिंग अप और थंब फेसिंग डाउन डजंट मैटर। ओके नाउ लेट्स से आई एम शोइंग एन इमेज हियर, ऑब्जर्व, सो हियर इट इज थंब फेसिंग अप। मैंने कहा आप कोई भी तरीके से ले सकते हो, थंब फेसिंग अप और थंब फेसिंग डाउन डजंट मैटर, याद रखना। ओके तो अभी इसी तरीके से मैं देख रहा हूं, देखिए तो आप इस तरीके से देख सकते हो, योर पाम इज फेसिंग यू, राइट। इसके मदद से हमें ये पांच वैल्यूज मिल जाएगा। यस आई सेड इट्स अ हैंड ट्रिक। ओके अब देखिए करना क्या, हमारे पास कितने स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, पांच स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, और उंगलियां कितनी हैं, फाइव। तो आपको समझ गया होगा, वेरी गुड, हर एक उंगली को हम डिनोट करेंगे एंगल से, बट ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर होगा फ्रॉम फ्रॉम, रिमेंबर द ऑर्डर इज गोइंग टू बी फ्रॉम डाउन टू अप। ओके व्हेन आई से डाउन टू अप अंडरस्टैंड दिस, ओके अंडरस्टैंड दिस, डाउन टू अप नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से स्टार्ट करोगे एंड दैट विल बी जीरो डिग्री, नेक्स्ट वन 30 डिग्री, नेक्स्ट वन 45 डिग्री, नेक्स्ट वन 60 डिग्री, नेक्स्ट वन 90 डिग्री। तो जब मैंने थम्स अप रखा है उस तरीके से जब मैं लेता हूं, तो हमें पता चल गया यहाँ पे जो लिटिल फिंगर है दैट इज डिनोटेड बाय 0 डिग्री, राइट। यस द रिंग फिंगर इज डिनोटेड बाय 30 डिग्री, मिडल फिंगर इज डिनोटेड बाय 45 डिग्री, द इंडेक्स फिंगर इज डिनोटेड बाय 60 डिग्री, और थम्स जो है, थंब जो है हमारा, उसे हमने डिनोट किया है 90 डिग्री से। सुपर, अगर आप, मैंने जैसे बोला थंब्स डाउन लिया, अगर आप ऐसा लोगे तो भी चलेगा, वहां से स्टार्ट करना, बट नीचे से ऊपर डजंट मैटर, वेरी गुड। अब करना क्या है, अब इससे मिलेगा कैसा, हाउ डू वी गेट दिस साइन, वेरी सिंपल। फॉर दिस देयर इज अ स्मॉल थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर फाइंडिंग द साइन ऑफ एनी एंगल। ओके द ट्रिक इज that sine theta is equal to under root of fingers below upon 2. देखिए ध्यान से, ये रहा आपका ट्रिक, ये रहा वो नुस्खा जो मैं बता रहा हूं। sine theta is equal to, what did I say, हमें sine अगर find करना है किसी भी angle का, it is going to be under root of, root के अंदर क्या आएगा, fingers below upon 2. okay let me tell you, it's very easy. सबसे पहला कौन सा angle है, जीरो डिग्री। जीरो डिग्री के लिए हमने क्या कंसीडर किया है, वो लिटिल फिंगर। तो देखिए ध्यान से, अब लिटिल फिंगर है, ध्यान से देखना, लिटिल फिंगर है, ये मैंने पकड़ लिया। अब देखना है फिंगर्स बिलो, अभी लिटिल फिंगर के नीचे कितने फिंगर्स हैं, आप बोलोगे एक भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, जीरो। सुपर, दैट मींस नाउ आई विल राइट हियर दैट साइन जीरो जो होता है, साइंस जीरो जो होता है, इसका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जीरो अपॉन टू, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए अभी क्या होगा, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ जीरो इज नथिंग बट जीरो, सो जीरो अपॉन टू, वेरी गुड। नाउ टेल मी व्हाट इज जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन टू, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो, मतलब हमें क्या मिला, हमें साइन ऑफ जीरो मिल गया, जीरो। वेरी गुड, कुछ याद रखना था, नहीं, ये ट्रिक है, ये याद रखना। सो वी गॉट दैट, यस वी गॉट दिस जीरो, सुपर। तो आपने बोला वाओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, अब एक्साइटेड हो नेक्स्ट फाइंड करने के लिए, यस यू आर गोइंग टू फाइंड इट, रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू फाइंड दैट 30। ओके अब 30 डिग्री के लिए करना है, तो सेम याद रखना, हम कंसिडर करेंगे, यस 30 is nothing but, yes, that ring finger. So, can that ring finger? Can you see that? Yes. Fingers below, finger below, कितने हैं? आप बोलोगे एक है. Very good. That means, हम यहाँ पे लिखेंगे कि sine 30 degree के लिए जब हम करते हैं, it is under root of, कितने fingers हैं? Below that, it is 1.
So we write under root of 1 upon 2. Superb. What is root of 1? Root of 1 is 1. Very good. So 1 upon 2. And 1 upon 2, it's over. My dear kids, it's over. We got the value of sine 30 as half. Superb. Mil gaya. It is so interesting. Yes. अब एक्साइटेड हो नेक्स्ट करने के लिए. नेक्स्ट सीनो आप करने वाले हो जल्दी जल्दी. चलिए करते हैं, फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं. 45 डिग्री, दैट मींस यू आर गोइंग टू कैच होल्ड ऑफ दिस मिडिल फिंगर हियर. यस, व्हाट्स दैट? फिंगर्स बिलो, चेक कीजिए कितने फिंगर्स है बिलो. इसके नीचे कितने फिंगर्स है, चेक कीजिए. हाउ मेनी? यस, टू. सुपर. दैट मींस वी नो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट हियर. साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 upon 2. Okay, how do we simplify this? इसे हम simplify कैसे कर सकते हैं? इसे simplify कर सकते हैं ना, because हमें पता है ये जो denominator में 2 है, 2 can be written as root 2 into root 2. क्या होगा इससे? ये simplify हो जाता है. अब बोलोगे हाँ हाँ, root 2 and root 2 gets cancelled. So what do we get? Numerator में रहा 1 और denominator में है root 2. That means हमें sin of 45 degree मिल गया. How much is that? It is 1 upon root 2. Superb. Very good. We got that. Easy. अभी next 2. Very nice. Superb. चलिए करते हैं for 60 degree. So for 60 degree, what is that? It's a index finger. So catch hold of that and tell me, इसके नीचे कितने fingers है? Yes, there are 3. That means you will say that sine of 60 degree is equal to under root of 3 upon 2. So you simplify कर सकते हैं? नहीं कर सकते. मतलब वो देखिए कितना इजी है. सो दैट मीन साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2. वी गॉट इट. वेरी गुड. कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, 90. अब 90 के लिए हमें पता है वी हैव टू कैच होल्ड ऑफ द थंब. यस, हाउ मेनी फिंगर्स बिलो दैट? यस, हाउ मेनी? 4. राइट. सो लेट्स राइट इट. सो वी राइट दैट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन 2. And what is that? Under root of 4. Root of 4 we know is nothing but 2. So 2 upon 2. And how much is 2 upon 2? 2 upon 2 is 1. That means we got sine of 90 degree is nothing but it is 1. Superb. Yes, we got that. You know what has happened? Kya hua? Yes, aapne sahi bola. Hame jo first row tha, sine, iska jo row tha, isme jo 5 values the wo mil gaya. और हमारा ट्रिक याद रखना, वी हैव टू जस्ट, इफ यू आर अ लेफ्टी यूज अ राइट हैंड, इफ यू आर अ राइटी यूज अ लेफ्ट हैंड. बट आई सेड यू कैन गो थम्स अप और थम्स डाउन, बट रिमेंबर डिनोट द एंगल फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर कर दीजिए. और उसके बाद सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, साइन के लिए क्या करना है? इट इज अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन 2. दैट्स इट, बस. और हमें 5 वैल्यूज मिल गए. अब मैंने कहा था आपसे कि अगर हमें ये 5 वैल्यूज मिल गए, वंस वी गेट दिस 5 वैल्यूज, राइट, द फर्स्ट रो दैट इज साइन, कैन वी फाइंड कॉस एंड टैन? यस, मिले. तो आप याद रखिए कैसे करना. आप कॉस पे आते हैं. मैंने कहा अगर हमें फर्स्ट रो मिला तो हमें कॉस मिल जाएगा, सेकेंड रो बहुत इजीली मिलेगा. एंड आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इजी बिकॉज इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है. बट क्या करना है? 90 से 0, ओके, जो वैल्यूज है इसे हमें लिखना है, ये राइट से लेफ्ट जो वैल्यूज है इसे हमें लिखना है सेकेंड रो में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सिंपल. 90 से 0 के तरफ जो वैल्यूज है, ये 90 से लेके 0 तक के जो वैल्यूज है, यहां से राइट टू लेफ्ट जो वैल्यूज है उसे हमें सेकेंड रो में लेफ्ट टू राइट लिखना है. मतलब ये 1 चला जाएगा वहां पे. यस, सुपर. रूट 3 अपॉन 2 जो है वो चला जाएगा यहां पे, दैट इज 30 के वहां. सुपर. 45 के वहां पे जो है वो सेम आएगा 1 upon root 2, और 1 upon 2 जो है वो यहां आ जाएगा 60 के यहां, और 0 जो है वो यहां आ जाएगा 90 के यहां. So that means आप बोलोगे तो सिंपल था, बिकॉज अगर फर्स्ट रो मिल गया जो हमने कर लिया राइट हैंड ट्रिक से, एक बार वो हो गया, सेकेंड रो तो लिखना बहुत सिंपल था, उसी वैल्यूज को लिखना है. राइट टू लेफ्ट के जो वैल्यूज है उसे हमें लेफ्ट टू राइट लिखना है. हो गया. अब तीसरा जो है इसके लिए आपको सोचना है,
बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया हुआ, याद रखिए आपको पता है। हम बोलोगे हमारे पास साइन है और कॉस है, वी नो साइन वी नो कॉस, सो कैन वी फाइंड टैन? यस वी कैन फाइंड। हाउ? यस, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सुपर्ब, बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है टैन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमें पता है, याद रखना ये रिलेशन हमें पता है, इसी को यूज करना है। ओके तो अब जब आप देखोगे, लुक एट जीरो डिग्री, जीरो डिग्री में देखिए क्या है, साइन ऑफ जीरो इज जीरो, कॉस ऑफ जीरो इज वन, सो जीरो अपॉन वन, जीरो डिवाइडेड बाय वन, व्हाट इज दैट, जीरो डिवाइडेड बाय वन इज नथिंग बट जीरो, सुपर्ब। तो हमें टैन जीरो मिल जाएगा और वो होगा जीरो, सुपर्ब, मिल गया। अब सेकेंड, टैन थर्टी फाइन करना है, वो भी इजी है, साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी, अब इसे डिवाइड करते मत बैठिए, बहुत सिंपल है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल द डिनोमिनेटर, सी दैट, सी हाउ इजी इट इज, कैंसिल द डिनोमिनेटर, टू और टू कैंसिल हो गया, सिर्फ डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर दीजिए, मुझे बताइए क्या बचा, वन अपॉन रूट थ्री, दैट्स इट, दैट्स आंसर, सुपर। अब देखिए कितना इजी है, सिंपल है ना, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट वन, आर यू गोइंग टू डिवाइड, नो, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, कैंसिल द डिनोमिनेटर्स, सो कैंसिल द डिनोमिनेटर्स, root 2 gets cancelled, 1 upon 1 means what, 1, superb, again 2 and 2 gets cancelled, what do we get, root 3 upon 1, matlab root 3, 1 upon 0, okay, yaad rakhna, 1 upon 0, 0 denominator mein aaya to, hum division kar nahi sakte, infinity pe jayega, right na, मतलब इट इज नॉट डिफाइंड, जीरो इन द डिनोमिनेटर मींस नॉट डिफाइंड, दैट मींस वन अपॉन जीरो, इसका हम लिखेंगे वहां पे नॉट डिफाइंड, आपको समझने के लिए बाजू में मैंने लिख के रखा है वन अपॉन जीरो, सो वन अपॉन जीरो मींस नॉट डिफाइंड। सो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमारा टेबल जो था उसमें के पहले तीन रोज साइन कॉस एंड टैन इज डन, और आपको पता भी है अगर ये तीनों पता है नेक्स्ट तीनों मिल जाएंगे और बहुत इजीली मिलेगा, है कि नहीं, अभी आप कर सकते हो बिकॉज हमें पता है हमें कोसेक फाइंड करना है, एंड वी नो, व्हाट डू वी नो दैट कोसेक थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, इन शॉर्ट साइन थीटा का रेसिप्रोकल करना है, वेरी गुड। तो अभी आपके नजर सिर्फ साइन थीटा का जो रो है उस पे रखिए, अब हमें कोसेक फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो देखिए साइन ऑफ जीरो कितना है, जीरो, जीरो का मतलब जीरो अपॉन वन, राइट, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वेरी गुड, वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, वाओ, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉलम उधर क्या है, थर्टी के नीचे क्या है, 1 upon 2, उसका reciprocal, 1 upon 2 का reciprocal क्या है, 2 upon 1 means 2, wow, superb, easy है ना, very good, अब 1 upon root 2, 1 upon root 2 का reciprocal क्या है, root 2, very good, root 3 upon 2, इसका reciprocal क्या होगा, 2 upon root 3, 1 means 1 upon 1, उसका reciprocal is 1 upon 1, that is 1, superb, हो गया। So, देखिए अभी कितना इजीली हमने कोसेक फाइंड किया, अभी आप एक्साइटेड हो ना नेक्स्ट वन करने के लिए, तो चलिए करते, लेट्स डू द नेक्स्ट वन, दैट इज फाइंडिंग सेक थीटा, एंड नाउ वी नो व्हाट इज सेक थीटा, यू विल से सेक थीटा तो बहुत इजी है, सेक थीटा जो है दैट इज नथिंग बट इट इज वन अपॉन कॉस थीटा, सुपर्ब, लेट्स डू दैट, ओके। सो कॉस का रेसिप्रोकल करना है, आप बोलोगे कॉस है तो अब सिर्फ उस रो पे ध्यान दीजिए जहां पे कॉस है, ओके, कॉस ऑफ जीरो इज वन, वन का रेसिप्रोकल वन, सुपर्ब, वी गॉट दैट, इट इज गोइंग टू बी वन, सुपर्ब। नेक्स्ट कॉस थीटा में नेक्स्ट देखिए, रूट थ्री अपॉन टू, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, टू अपॉन रूट थ्री, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, वन अपॉन रूट टू, उसका रेसिप्रोकल क्या है, रूट टू अपॉन वन, दैट इज रूट टू, 1 upon 2, the reciprocal is going to be 2 upon 1 means 2, 0, 0 means it is 0 upon 1, iska reciprocal kya hoga, 1 upon 0, that means it is not defined, superb, ekdam easy, very easy, right, now let's go on to the last one, dekhiye hamara table complete ho raha hai, now cot theta,
we know that cot is nothing but, we know that very clearly, that cot theta is equal to 1 upon tan theta. That means it is reciprocal of tan. Okay, tan. Tan jo hai, yes. Dekhiye, ab aapko dhyan dena hai sirf tan ke roop pe. To dekhiye, tan of 0 kitna hai? 0. 0 means 0 upon 1. What is the reciprocal? 1 upon 0. That means it is not defined. Superb. Okay. 1 upon root 3. Iska reciprocal kya hoga? Root 3. 1 ka reciprocal. 1. Root 3. Root 3 means it is root 3 upon 1. So the reciprocal is 1 upon root 3. And not defined. And not defined ka reciprocal. Iske liye maine bagal mein likha hai. Not defined means 1 upon 0. So 1 upon 0 ka reciprocal is 0 upon 1. 0 upon 1 means 0. Superb. Ab hua kya? Hamara jo pura table hai, 30 ke 30 values. See, you happen to get all the 30 values. Isn't it? I said, to get this entire table, ye pura table create karne ke liye hame sirf initial row, first row, sign ka jo row hai, wo yaad rakhna hai. Yaad bhi nahi rakhna hai, by heart bhi nahi karna hai. Sirf wo 5 values hai, wo bhi kaise aayenge? Maine kya bola tha? Hand trick diya tha, wo yaad rakhna. Ab righty ho to left use kijiye, lefty ho to right use kijiye. But maine bola, you can go thumbs up or thumbs down. But remember, the logic you need to remember is, yes, go from down to up, number the angles from down to up, niche se upar. Aur uske baad yaad rakhna, how do you get that sign? It is under root of fingers below upon 2. To ab aapko table samajh gaya hai, ye table khud form kijiye, khud practice kijiye, khud banaiye. Because ye table hume draw karne aana chahiye. In fact, draw nahi, iske values likhne aane chahiye. Drawing kisi koi nahi dekh raha. To aapko ye table create karna hai. Practice itna acha kijiye so that you become fast at doing this. Because agar ye pura table hum bana paate hain जल्दी से जल्दी, तो इस पे जो सम्स है वो करना बहुत इजी हो जाएगा. तो अब मुझे कॉन्फिडेंट है कि आप इजीली कर, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए इसे. एंड दिस इज व्हाट आई वांट, डू इट वेरी वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन अदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. तब तक के लिए, यस, वीडियो को पसंद किया है, आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड एज आई सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. Till then, keep learning, keep smiling.